टू माय चैनल, मैं हूँ सुरभि और मैं हूँ दीपक। और आज हम लोग अपने लिए एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि हम क्या खरीद रहे हैं। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि उसके बारे में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। पर दीपक, ये गाड़ी कौन सी है, क्यों हम सोच रहे हैं कि हम इस गाड़ी पर स्विच करें, व्हाट्स द रीज़न? देखो उसके एक मिनट सॉरी उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हमारे दिमाग में आया है कि हम ना इलेक्ट्रिक कार लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब दुनिया पॉल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट कम करने की तरफ लगी हुई है, तो एक वो रीज़न है। मेंटेनेंस कम होता है आपको, मतलब पेट्रोल डीजल के खर्चे नहीं है हर महीने के। और दूसरा क्या है, हमारी गाड़ी जो है ना वो मैनुअल है और हमें ऑटोमेटिक लेनी है ताकि अब घर पे कोई आए कहीं लंबी ट्रिप करने हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो गाइस, अब हम लोग जो स्विच कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ी स्विच कर रहे हैं और वो दिख भी गई मुझे वहाँ पर, वही कलर जो मैं चाह रही थी। और हम लोग टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। वॉल्वो की गाड़ी है जो कि उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार है, सच है ना? वो की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है। हाँ, तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स में इंटरेस्टेड हो, बिकॉज क्योंकि इंडिया में आई थिंक बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट जो है अभी नया नया आ रहा है, अगर आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो, गाड़ी देखना चाहते हो कि वॉल्वो की इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो कैसी है, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बस पहुंच गए हैं, सो लेट्स तो हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या हमें चीज़ अच्छी लगी। हाँ। और क्यों बाकी दूसरी इलेक्ट्रिक कार की वजह हम इस कार को देखने जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जब टेस्ट ड्राइव करते हैं तो हमारे साथ में कोई ना कोई रहता है। सुरभि ने बोला था कि मेरे को वीडियो बनाना, मैंने कहा थोड़ा अजीब सा लगेगा यार, वो बैठा होगा। तो सुरभि बोलती ये नहीं बैठते यहाँ पे, क्या बात करें, अपने हाथों पर बैठा रहता पूरे टाइम पीछे। मैंने इसको बोला कि यहाँ पर जो है वो टेस्ट ड्राइव के टाइम पे कोई नहीं बैठता, देखते हैं जाकर बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो मैं कह रहा हूँ बैठते हैं, सुरभि कह रही है नहीं कोई नहीं जाता, वो गाड़ी दे देते, कितनी महंगी गाड़ी हो, चाबी दे देते, जाओ ले जाओ। सुरभि जल्दी चलो यार, फटाफट यार, गाड़ी ड्राइव करनी है मुझे, मेरे को सबर नहीं हो रहा यार। इतनी ठंड में ऑफिस के बीच में दीपक इज वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गो। दीपक, मेरा वैसा वीडियो आना चाहिए कार का, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे। एक्चुअली मैं गाड़ी का कुछ भी चीज सोचती हूँ ना तो मुझे पंजाबी सॉन्ग्स याद आते हैं कि एकदम बढ़िया, बिल्कुल सब गुच्ची प्राडा के कपड़े पहने और गाड़ी में। कहीं वो गाड़ी लिम्बोर्गिनी तो नहीं? तो गाइस वेलकम बैक, ये हो रहा है बहुत जोरदार वीडियो, स्पेशली मेरे लिए बहुत आनंद आ रहा क्योंकि मैं बैठा हुआ अभी इस टाइम वॉल्वो XC40 में, वॉल्वो की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, फुल्ली इलेक्ट्रिक कार, और आज मैं किसी को ओवरटेक नहीं करने दूंगा भैया। क्या पिकअप है, प्योर, ये गाड़ी 0 to 100 5 सेकंड से कम में पहुंचती है यार, सॉलिड गाड़ी भाई। वॉल्वो तो वैसे ही अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम कार्स, वन ऑफ द सेफेस्ट कार है और उनकी ये पहली इलेक्ट्रिक कार है। हालांकि उनकी जो दूसरी सिस्टर कंपनीज है जैसे पोलस्टार वगैरह सब ब्रांड्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिक कार ऑलरेडी है, पोलस्टार 2 जो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च की है, पर वॉल्वो ने ये पहली इलेक्ट्रिक कार निकाली है जो ऑलरेडी ये मॉडल पहले से था डीजल पेट्रोल में। ओहो देखो, अभी मैं बस ओवरटेक करने नहीं दूंगा किसी को, मुझे गुस्सा आ रहा है, सर भी कंट्रोल कर लेना। ऐसी उड़ती है पीछे, एरोप्लेन जैसे चिपक जाते हैं, जैसे रॉकेट में उड़ते हैं, गजबी पावर है यार। पावर से मैं आपको बताऊं, इसमें दो मोटर्स हैं 201 BHP की, मतलब टोटल 402 BHP, आप अंदाज़ा लगा लो कितनी पावर है इस गाड़ी में, ऐसी भक्ति है ना। और ये सबसे बड़ी बात, ये SUV है, इलेक्ट्रिक SUV कार है यार। दीपक इतना नहीं, पहले खड़ा करो, दिखाओ सबको, एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि कौन सी गाड़ी है, क्या है, अभी दिखाता बाहर से दिखाओ, चलो आपको सारी चीजें दिखाता हूँ इस गाड़ी में, कैसा इंटीरियर है इसका। गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आ रहा है और अब हम लोग बस रुकने वाले हैं बाड़ोराक में, और बाड़ोराक में हम आप लोगों को इसके कुछ अच्छे शॉट्स बताते हैं ताकि आप लोग भी बता सको कि हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
तो हम लोग रुकते हैं और उसके बाद आपको लास्ट में इसका प्राइस बताएंगे. तो वेट करना क्योंकि ये पहली गाड़ी है इलेक्ट्रिक वॉल्वो की, तो ऑफकोर्स बहुत उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है. गाड़ी चालू है अभी, पता तुम्हें? पूरा गाड़ी में देखो, अब ये यहाँ गया. ये स्क्रीन है जिसमें अगर आपको मैप देखना हो तो यू कैन पुट इट मैप हियर. और भी बहुत सारे यहाँ पर सेटिंग्स हैं, जैसे अगर आपको जैसे ही ड्राइव करना है तो आप फार एंड पे जा सकते हो. और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर, ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हो, गूगल मैप तो है ही है. इसमें सबसे अच्छा फीचर तो मुझे ये लगा, क्योंकि ये हमारे लिए आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ऑल दो यहाँ की ठंड के लिए ये इतना अच्छा फीचर नहीं है, पर बहुत अच्छा है. हाँ, गर्मियों के लिए तो बहुत सही. गर्मियों के लिए, हाँ दीपक आप बताओ. तो मैं ये बता रहा था, ये जो कार है, मतलब इसके ये पर्टिकुलर जो मॉडल है ना, बहुत पावरफुल मॉडल, दो मोटर के साथ ये ऑल व्हील ड्राइव है. इन्होंने टू व्हील ड्राइव भी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसमें सिंगल मोटर है जो पावर हाफ है, तो उसकी प्राइस भी थोड़ी कम है, अफोर्डेबल है, जो लॉजिक भी बनता है. आगे इसमें स्टोरेज है, पीछे स्टोरेज है, भाई गजब की गाड़ी है. पर जो इसका जो एसयूवी जो दूसरा मॉडल है ना, पेट्रोल डीजल मॉडल, उसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन ये उनसे हैवी बहुत है कंपैरेटिवली. और क्या कंफर्ट है, मतलब इसमें आप कितनी भी लंबी राइड कर लो आराम से, कितनी भी लंबी राइड कर लो, बहुत कम्फर्टेबल गाड़ी है. और फुल्ली ऑटोमेटिक है, बहुत सारे सेंसर्स हैं, स्मार्ट कार है, गूगल एप्पल प्ले भी है ऑब्वियसली, सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है व्हीकल कार के अंदर, गजब ही चीज़ है. और रेंज जो है इस गाड़ी की, एक बार चार्ज करने पे करीबन 400 किलोमीटर चलती है. और इसके चार्जिंग पॉइंट हर कहीं मिल जाते हैं क्या? यूरोप में तो मिल जाते हैं हर जगह. तो अभी हम आपको वो भी बताएंगे इसके चार्जिंग पॉइंट कैसे होते हैं. और हम लोगों का क्या क्राइटेरिया था, एक्चुअली हम लोग ना वॉल्वो की गाड़ी में कभी भी अंदर से हमने देखा नहीं था उसका इंटीरियर कैसा होता है, कैसी चलती है. वॉल्वो वन ऑफ द सेफेस्ट कार में से एक है, तो हमें हमेशा से ऑप्शन था कि वॉल्वो, क्योंकि हमें हमेशा जब भी जर्मनी आते तो हम स्विच करते हैं बीएमडब्ल्यू और डी इन कार में पोर्शे, पर शायद वॉल्वो जो है वो मिसिंग हो जाती है. पर वॉल्वो के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, एक प्रीमियम कार की कैटेगरी में आती है, और जब निकलती है तो जो आंखें हैं उसके मतलब हो जाती हैं, आंखें वहां पर चली जाती है. तो मैंने बोला दीपक यार ये कार को तो ट्राई करना चाहिए. दीपक ऑल दो इसकी जो पसंद है आई थिंक कारों में दूसरी होगी, पर वॉल्वो एक्चुअली सुरभि तुम सही बोल रही हो, वन ऑफ द सेफेस्ट कार है, बहुत कंफर्टेबल कार है, और आप मतलब ऐसी कार है जिसपे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो यार. चलो अब हम करते हैं इसकी स्पीड. इसने तो दीपक ने बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकाल दी है ये गाड़ी, नहीं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है गाड़ी को. सच में यार कितना पिकअप बहुत अच्छा है. गैस भाई साहब हॉर्स पावर भाई साहब, भाई पिकअप तो हो गई ऐसे भगी के, एक सेकंड लगा है और पता भी नहीं चला. एक वो होता है ना जो पता, दीपक एक चीज वो बोल रहा था पैडल ड्राइव, वो क्या होता है? वन पैडल ड्राइव का भी फंक्शन है, जैसे दो पैडल होते हैं ना ऑटोमेटिक गाड़ी में, ब्रेक और एक्सेलरेटर. तो इसमें वन पैडल ड्राइव में क्या होता है कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक्सेलरेटर से पैर हटालोगे तो गाड़ी स्लो होती जाएगी अपने आप. एक और चीज जिसकी वजह से मैंने ये ट्राई किया, एक गाड़ी में जो कलर है मेटालिक ग्रे और मेटालिक ब्लू में ये वाला आया हुआ है, ये वाली गाड़ी में वो जो कलर है वो मुझे इतना अच्छा लगने लगा. मतलब अभी तक मैं रेड और ब्लैक की ही फैन थी, पर अब ये जो कार के कलर्स आए ये सिर्फ प्रीमियम कार्स में आए हैं ना, राइट?
तो जब मैंने ये देखा तो मुझे, मैं फैन हो गई और ये कलर मुझे इतना अच्छा लगने लगा। और ये जो गाड़ी है उसका कलर यही है, वो अभी इनके डिस्प्ले पीस पे है ना, तो वो मैं, हम लोग आपको बताएंगे। तो वो कलर भी एक ऑप्शन है, क्योंकि प्रीमियम कार में ही ये कलर आता है, बाकी के कार में ये कलर नहीं आता। अभी तक तो नहीं आ रहा है फिलहाल। मतलब न्यूट्रल, डी मतलब ड्राइव होता है, डी पे करके फिर ऑटोमेटिक होता है। मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई नफड़ा नहीं है। बस अब उसको दबाओ मत ना, मतलब डी मतलब ड्राइव कर दिया तुमने, खत्म, हटा फर्स्ट सेकंड। देखो ये ऑप्शंस है पी आर एन डी, आई थिंक मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे गियर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है शायद मेरे लिए। मजे ले रहा है गाड़ी के साथ, मेरे भी। तो हम आ गए हैं, हमें 40 मिनट्स का टेस्ट ड्राइव पहले ही आ गए हम। अब ये मधुर आवाज किस चीज की है बता, मधुर आवाज किस चीज की है बता? मधुर आवाज है सीट बेल्ट की। मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया वरना कैसी आवाज आती है। तो मैं दीपक से कह रही थी ये ज्यादा इरिटेट नहीं कर रहा है। देखो दीपक जैसे ही पार्किंग में लगाने लगा। सो ये है इनके इलेक्ट्रिक स्टेशन जो यहाँ लगे हुए हैं। गाड़ी का कलर जिसकी मैं बात कर रही थी वो ये वाली है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड देन ये जैसे ही हम लोग आए तो उन्होंने जो है वो चार्जिंग पे लगा दिया। सो दिस इज द चार्जिंग। तो गाइज अभी अभी हम आए हैं ड्राइव करके, और सबसे पहली बात जैसा कि हमने बोला था हमारे साथ कोई नहीं गया, उसने हमें चार्ज ये तो चट्टी हो गई मेरी, उसमें से हम दीपक का ड्राइविंग अच्छा पहले लेकिन सुन भी है उसने हाँ। बस लाइसेंस लिया भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स देखे हाँ। नंबर लिखा ऑब्वियसली, और उसके बाद वापस लेके और बोलता है ये लो चाबी मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। 60 लाख की गाड़ी हमें पकड़ा दी। ऑफ कोर्स अगर कुछ डैमेज होता तो हमें पे करना पड़ता, पर हाँ ऐसा हुआ और हम लोगों को 40 मिनट्स का टेस्ट ड्राइव मिला था, जो आई थिंक बहुत अच्छा था क्योंकि दीपक ने 40 मिनट्स में आई थिंक सभी टेस्ट कर लिया है। सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई एटलीस्ट। सबसे कैसी ड्राइव है गाड़ी की, कैसा इंटीरियर है, कैसा फील है, लुक एंड आई थिंक मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है दीपक गाड़ी के अंदर का फील, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी अंदर, और बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत ही सेफ्टी वाइज जो है वो बहुत अच्छा। एंड देन इलेक्ट्रिक कार में भी मैं शायद पहली बार बैठी हुई हूँ, तो तुम विजय की गाड़ी में भी नहीं बैठी क्या? नहीं हाँ बैठी हूँ मतलब, लेकिन कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। तो पहली बार मैं इलेक्ट्रिक कार में भी बैठी थी, तो मेरे लिए दो एक्सपीरियंस था वॉल्वो प्लस इलेक्ट्रिक कार का। एंड तो दीपक कितने का है ये बता दो जाने से पहले, आई गेस वीडियो जो ये जो मॉडल था ये था इनका XA40 P8 डबल मोटर वाला और फोर व्हील ड्राइव। इसकी प्राइस है 65,000 यूरोस, 65,000 यूरोस जो इंडियन रुपीस में अगर आप देखो तो कितना पड़ेगा, मेरे ख्याल में 56 लाख के आसपास, 55 से 60 के बीच में इतना है इसका प्राइस। तो अब ये नहीं पता हमें कि आप मतलब ज़्यादा है या कम है, पर आप लोग बताना इज दैट अ गुड प्राइस फॉर दिस कार। बट अभी तो हमने सिर्फ एक देखी है, हमें और भी देखनी है इलेक्ट्रिक कार्स जो भी अच्छे मॉडल्स अच्छे ब्रांड्स के साथ आ रही हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अगर आपको वो भी वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर बताना। इस वीडियो में ऑफ कोर्स हमारे लिए भी सब कुछ नया था, पर वी ट्राइड कि हम आपको वो बता सके जो हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राइट तो मौज कर दी बाबा, मुझे तो मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और आप लोग प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऐसे मत बुलाया अगर कोई सुनता नहीं है मेरे। ठीक है तो उनसे नहीं बुलवा रहे, प्लीज इसकी बात सुन लो नहीं तो ये रोने लगेगा अभी। सोचो दीपक रोने लगता अगर सब्सक्राइब मत करो तो। बोल बोल के दुखी हो गया हूं, कर दो यार। अरे मुझे जाना यार, तो भी ऑफिस टाइम हो गया है, मस्ती करते फिर रहे हैं बीच में। नहीं